रामपुर में आजम खां का सियासी किला करीब करीब ढह गया है और यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी बड़ी बढ़त बनाकर अपनी जीत की तरफ चल रहे हैं। बहुत सारे उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं पार्टी के, जो उनके लिए इस चुनाव में जी जान लगाकर जुटे हुए थे, यहां पर सुबह से वोटों के गणित में लगे हुए हैं। बात करते हैं उनसे, कितनी बड़ी खुशी है उनके लिए। गुप्ता जी, कितनी बड़ी खुशी, आप इसको मान रहे हैं, ये रामपुर का जो किला था जिस पर आजम खां का दबदबा था वो ढह गया है? रामपुर का कभी आजम खां का किला नहीं था, कभी भी समाजवादी की यहाँ पर सीट नहीं जीती है। एक बार आजम खां बदतमीजी से अपने जीत गए थे, उससे पहले जयप्रदा जीती थी, उससे पहले नेपाल सिंह जी जीते थे, हमेशा भाजपा की सीट रही है। और इस बार भी मोदी योगी पे लोगों ने भरोसा किया है, सब वर्ग सब धर्मों का वोट हमें मिला है और हम हर जगह से जीते हैं। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि इस बार जो कैंडिडेट थे घनश्याम सिंह लोधी, उनको सब मालूम था कि आजम खां के कमजोर कड़ियाँ जो हैं वो कहाँ पे है, क्योंकि वो आजम खां के साथ भी रहे हैं। नहीं, आजम खां के साथ रहने से कोई कमजोर कड़ी की बात नहीं है, वोट हमारे साथ है और वो हमारे घर पुनः वापसी है। वो पहले हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा। वो घर पुनः वापसी है, समाजवादी से पुनः वापसी है उनकी, कोई ऐसा नहीं है वो समाजवादी क्यों हों। 2 साल पहले वापसी की थी उन्होंने और अब MP बन गए हैं। सबका काम करेंगे, सबका विश्वास उनको है, सबके साथ रह के काम करेंगे, पूरे जिले का विकास करेंगे, कोई भी ना, सबका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका काम करेंगे। वो सज्जन व्यक्ति है। 2 साल का वक्त उनको केवल मिलेगा इस चुनाव में? उनको आगे भी मिलेगा, भगवान चाहेंगे, मोदी योगी जाएंगे तो अच्छा, आगे भी मिलेगा उनको मौका। आप बताइए, सुबह से लगे हैं आप लोग मेहनत कर रहे हैं? हम मेहनत तो करिए ना पार्टी के लिए, मेहनत दिल और जान से करते हैं और करते रहेंगे, आगे भी जीतेंगे, आने वाले टाइम में भी जीतेंगे। ये बताया जा रहा था कि जो आजम खां हैं वो जेल से छूट के आए तो सिंपैथी वोट से बढ़त बना लेंगे, लेकिन आपको क्या लगा कि जनता ने उन्हें नकार दिया? जनता ने उन्हें नकार दिया, जैसे उनका संपत्ति का हिसाब था वो नहीं हुआ। और हम लोगों ने मेहनत बहुत की है, हर बूथ पे संगठन ने बहुत काम किया है, संगठन ने पूरा जोर लगा दिया था काम करने में, हमारे संगठन का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा रोल संगठन का है और ये जीत भी संगठन की है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, 2 मीटिंगें की, बड़ी मीटिंगें थी, उनका इम्पैक्ट क्या मान रहे? मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा इफेक्ट था उनका, उन्हें तो पूरी जनता चाहती है, मोदी योगी का तो जलवा है ही सब। बीजेपी की सरकार में जिस तरीके से आजम खां के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, मुकदमे दर्ज हुए, वो जेल गए, क्या आप मानते हैं कि उससे भी जनता कहीं ना कहीं खुश है, इसलिए वोट दिया? नहीं, जनता तो उनके, उन्होंने जो अत्याचार किए हैं उससे दुखी थी, तो उन्हें उसका परिणाम मिल गया, जो भी परिणाम था, जनता उनसे खुश नहीं थी, वो ये सोच रहे थे कि जनता हमसे खुश होगी, जेल से बाहर आएंगे तो हमदर्दी मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टे जो आजम खां हैं उनको शिकस्त देखनी पड़ी है। जी जी, शिकस्त देख, आरोप बहुत लगाए थे उन्होंने और आसिम रजा ने बहुत आरोप लगाए के साहब पुलिस जो है फेवर कर रही है बीजेपी का। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, निष्पक्ष रूप से चुनाव। हाँ, चुनाव निष्पक्ष रूप से हुआ, ऐसी कुछ नहीं है आज में, कोई इसमें धांधलीबाजी कुछ नहीं, कोई धांधलीबाजी नहीं हुई है आज में, स्वार्थ बे भावना से। ये हार रहे थे इसलिए लगातार आरोप लगा रहे थे? पहली बात तो ये, भारतीय जनता पार्टी एक सर्व समाज की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, सबके विश्वास की बात करती है, और इनका तो समाजवादी पार्टी का या आजम खां का एक यहाँ था, वो अपने आप को रखेल समझते थे, जनता को रखेल समझते थे, हर 2 साल में चुनाव कराना उनका एक पेशा हो गया था, उस पेशे से जनता तंग आ चुकी थी, जनता ने उन्हें समझ चुकी थी, उसी का जवाब समाजवादी पार्टी को जनता ने दिया। ये माना जाए कि अगले 2 साल में बड़े विकास कार्य और बड़े प्रोजेक्ट रामपुर में देखने को मिलेंगे, बहुत बड़ी जीत है ये बीजेपी के लिए। इस 2 साल में एक ऐतिहासिक विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे शहर को देखने को मिलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के विकास करेगी, सबको साथ लेकर चलती है, सबके विकास की बात करती है, और मैं अगर ये कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जो प्रशासन ने कराया है ये एक ईमानदारी और निष्पक्ष चुनाव कराया है, कहीं भी कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। आप भी सुबह से लगे हुए हैं, आप बताइए, आप भी सुबह से काम कर रहे हैं, जुटे हुए हैं वोटों के गणित में? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ में काम करती है, और हमारी जो पार्टी है उसने किसी भी प्रकार से किसी भी जाति धर्म के साथ में भेदभाव नहीं किया है, इसीलिए हम इस चुनाव को विजय भाई। देखिए,
रामपुर में जो ये कहा जाता था कि आजम खां बड़े कद्दावर नेता हैं और जेल से आने के बाद उनकी जो कोशिश है वो यही थी किसी तरह सिंपैथी वोट वो हासिल कर पाएँ और उन्होंने इसके लिए जो चुनावी मंच थे उसका जमकर इस्तेमाल किया, अपने सिपह सालार को यहाँ से टिकट दिलवाया, लेकिन उनके सिपह सालार जीत नहीं पाए। आजम खां की बड़ी हार हुई है रामपुर में, जो उनका गढ़ कहा जाता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, रामपुर।